न्यायालय में भेजी। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी, मैं अभी मौजूद हूँ खाजकला थाना क्षेत्र में, और जैसा कि आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पटना सिटी DSP 2 के द्वारा यहाँ पर किया गया है, जो कल खाजकला थाना और बाईपास थाना में जो अपराधी धराए हैं जो सामान के साथ, वो तमाम यहाँ पे आज बातें हुई। क्या उन्होंने कहा वो हम आपको सुनाते हैं। खाजकला थाना में पटना सिटी DSP 2 द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज तमाम बातें बताई गई, और तमाम लोग से ये अपील भी करें DSP साहब ने कि किसी भी किस तरह का किसी को कुछ भी हो तो वो सूचना थाना को सूचना तुरंत दें। इस तरह के तमाम ताज़ा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। देखिए, आज का जो प्रेस ब्रीफ है वो हमारे दो थाना क्षेत्र में कल रात्रि को कल दो घटना घटी। पहला जो घटना है वो खाजकला थाना क्षेत्र में घटा, जो कि दिनांक 6/4/24 को घटा। रात्रि में एक गुप्त सूचना हमारे SHO खाजकला को मिला, और गुप्त सूचना जो मिला उसमें ये था कि दो लोग लोडेड पिस्टल के साथ कोई घटना को अंजाम देने वाले थे, और ये सूचना SHO ने अपने जो गश्ती थी, पेट्रोलिंग थी, उसको सूचित किया। और उसके साथ साथ हमारा मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग भी है, वो भी एक्टिव रहता है। और ये दोनों जो पेट्रोलिंग था ये जिरिया तमोली गली, यहाँ से हमें सूचना मिला, और यहाँ पे इन दोनों पेट्रोलिंग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो लोग को गिरफ्तार किया, राजा कुमार और शाहिल यादव, और इन दोनों के पास पिस्टल था और जो कि लोडेड था। एक के पास 6 राउंड गोली लोडेड था और एक के पास 4 राउंड गोली लोडेड था। तो जो रिकवरी हुआ है, बरामदगी 2 पिस्टल, 10 राउंड जिंदा गोली और 1 मोबाइल को रिकवर किया गया है। और इस गश्ती दल में जो पुलिस ऑफिसर थे वो फूलन राम थे, जो हमारी पेट्रोलिंग होती है रात्रि गश्ती, और उसके साथ साथ मोटरसाइकिल गश्ती जो हर एक गली में मूवमेंट करती है पटना सिटी के इलाके में, उसमें परिक्षमान पुअनी विकास कुमार सिंह जो है इसको लीड कर रहे थे। तो इन दोनों के तत्परता से और SHO के सही समय में सूचना देने से हमें ये सफलता प्राप्त हुई। और इसमें इस छापेमारी दल में और भी जवान हमारे शामिल थे, उसमें सरोज कुमार, धर्मेंद्र कुमार यादव DAP जवान थे, और गृह रक्षक कपिल पासवान, रामदेव राय और राजेंद्र राम, ये लोग इसमें छापेमारी में शामिल थे। और गिरफ्तार अपराधी का कोई पुराना रिकॉर्ड? देखिए, अभी तो हम लोग खंगाल रहे हैं, आसपास के थाने से पता कर रहे हैं, और जिस तरीके का इन्होंने कृत्य किया है हम लोग और सब थाना जो भी सब डिवीजन से उनसे भी हम लोग इनका डिटेल ले रहे हैं। सर, प्रथम दृष्टया क्या लगता है इतना बड़ा गोली कांड पकड़ा गया? योजना को अंजाम देना चाह रहा है? देखिए, ये हम लोग अभी इसका जांच कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ये लोग करना चाह रहे हैं। इनके गैंग मेंबर्स के बारे में पता कर रहे हैं, और रात को जिरिया तमोली गली में ये क्या कर रहे थे इसकी भी जाँच चल रही है। तो जैसे ही जाँच जो पूर्ण होगा मीडिया के समक्ष रखा जाएगा। दूसरी घटना जो है बाईपास थाना क्षेत्र में 6/4/24 को, जो कल रात्रि में SHO बाईपास को सूचना मिला, और SHO बाईपास ने इस सूचना को अपने जो गश्ती जो प्रभारी थी उस टाइम पुअनी सोनी कुमारी, इनको दिया गया। और सूचना इस प्रकार था कि एक लड़का जो है वो हवाई फायरिंग कर रहा है, और उसके जैसे ही ये सूचना मिला इन्होंने संप्रेषित किया अपने पेट्रोलिंग पार्टी को, और पेट्रोलिंग पार्टी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुअनी सोनी कुमारी के नेतृत्व में इन्होंने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसका नाम सन्नी कुमार है, और उसके पास 0.315 बोर का देसी कट्टा और एक मिस फायर कारतूस उसके पास मिला। और इस टीम में गृह रक्षक अमित कुमार, दिलीप कुमार और रवि रंजन यादव इस टीम के साथ ये भी छापेमारी दल में थे। ये जैसे आपने बाहरी बेगमपुर नाम का जगह है वहाँ पे फायरिंग किया था, और बिल्कुल ये दहशत फैलाने के लिए इन्होंने फायरिंग किया था। कहाँ का रहने वाला है? जैसा ही सूचना मिला थाना को, और त्वरित कार्रवाई करते हुए पेट्रोलिंग टीम ने इसे उठाया। तो ये दोनों जो इंसिडेंट्स हैं, दोनों जो घटनाएं हैं, इसमें दोनों SHO ने, दोनों थाना के SHO ने और उनकी पेट्रोलिंग पार्टी ने और मोटरसाइकिल पार्टी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन तीन अपराधकर्मी को उठाया है। और जनता से भी अपील है कि आपको ऐसा कोई भी सूचना मिलता है तो आप अपने SHO को दें, पुलिस से संपर्क करें, हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए कड़ी कार्रवाई करेंगे, उन्हें गिरफ्तार करेंगे और इन्हें न्यायालय में भेजेंगे। सर, बाईपास थाने में जो भी पकड़े गए इसका भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड है क्या? देखिए, इनका आपराधिक इतिहास जो मुझे पता चल रहा है कि एक मारपीट का केस इनके ऊपर है, और सब आपराधिक इतिहास हम लोग आसपास के थाना से पता कर रहे हैं।